एक मित्र ने पूछा है, क्या मौन में भी संवाद घट सकता है या मौन में ही संवाद घटता है? तुम इस अनुभव से गुजर रहे हो, इसीलिए तुमने पूछा है, मौन में ही संवाद घटता है। यही जीवन का विरोधाभास है। जो बोलते हैं उनके बीच संवाद कब घटता है? निकटता मौन में ही आती है। तन मन सब मिल जाए, इतना होकर भी कोई पास नहीं होता। नैनों के सागर में आसमान बन उतरे कोई, ऐसी घटनाओं का इतिहास नहीं होता। जब तुम्हारे भीतर के मौन जगत में तुम्हारा प्रवेश होता है, तुम अस्तित्व को स्वयं से बोलते हुए सुन सकते हो। अस्तित्व मौन में ही तुमसे संवाद करता है। मौन चुप्पी नहीं है, इसीलिए मौन एक समग्रता है। मौन शब्द से विपरीत नहीं है, वो शब्द और निःशब्द का एक नृत्य है। कोई बोल नहीं रहा है बस इसीलिए मौन में है, ऐसा नहीं। बोलने और न बोलने का एक अद्भुत रहस्य। मौन होकर देखो, फिर देखो कैसे संवाद घटता है। एक सद्गुरु को सुनना मौन में ही संभव है। तुम जितना अधिक मौन होते हो, वो उतना ही अधिक तुम्हें सुनाई देने लगता है। उसके शब्द भी तुम्हें सुनाई देने लगते हैं, और जो उसने शब्दों में नहीं कहा वो भी तुम्हें सुनाई देने लगता है। और जब तक तुम्हें वो सुनाई ना दे जो शब्दों में नहीं कहा गया, तुमने अभी ठीक ठीक सुना नहीं। और ये अभ्यास एक सद्गुरु के साथ ही नहीं, तुम्हें सामान्य जीवन में भी काम आएगा। तुम अपने भीतर की लगातार चलती हुई बातचीत से अगर अलग होकर मौन में ठहर सको, तो तुम सारी तरंगों को अनुभव कर सकते हो। दूसरा तुमसे जो शब्दों में कह रहा है, उसके पार जो वो सचमुच में कह रहा है, तुम उसे भी सुन सकते हो। कई बार व्यक्ति जो कह रहा होता है बिल्कुल अलग होता है, तो तुम्हारे व्यवहारिक जगत के लिए भी ये प्रक्रिया बहुत उपयोगी होगी। धीरे धीरे मौन में रहना सीखो, पेड़ पौधों के पास मौन होकर ठहरो, हो सकता है वो तुमसे बोलने लगे। कभी चौंकना नहीं अगर कोई पेड़ तुमसे कुछ कह दे, कह सकता है। तुम लोगों के पास मौन होकर ठहरना, हो सकता है कुछ और तुम्हारे भीतर उठने लगे। जीवन दृश्य और अदृश्य का जोड़ है। मौन तुम्हें दोनों से परिचित कराता है। मौन अपने भीतर परिपूर्ण रूप से जाग जाना है। तो कोशिश करो कि अपने भीतर तुम जितने जाग सको
तुम बोल रहे हो या चुप हो, इस पर अधिक ध्यान मत दो, क्योंकि मौन इन सबसे अलग है, वो तुम्हारे भीतर का ठहराव है। तुम बोलते हुए भी अगर अपने भीतर ठहरे हुए हो तो तुम मौन का अनुभव कर लोगे, और अगर तुम चुप रहते हुए भी अपने भीतर के ठहराव को नहीं अनुभव कर पाओगे तो तुम्हें मौन का एहसास नहीं होगा। और जिस क्षण तुम्हें मौन का एहसास होगा, तुम अस्तित्व की समस्त प्रज्ञा को अपने भीतर सुन सकते हो। एक संबुद्ध सद्गुरु जब तुमसे बोलता है तो उसके साथ पूरा अस्तित्व बोलता है, क्योंकि वो मौन से संवादित होता है, वो मौन से संवाद करता है। तुम भी ऐसे बोलकर देख सकते हो, अपने को बिल्कुल खाली कर दो एक बांसुरी की तरह, फिर देखो कैसे अस्तित्व का संगीत तुम्हारे भीतर से गुजर जाता। संवाद संगीत में ही होता है। संगीत का अर्थ ये नहीं है कि जैसे ये बांसुरी बज रही है या कोई संतूर बज रहा है वही संगीत होता है। संगीत लयबद्धता का नाम है। जब अलग अलग तलों पर एक लयबद्धता आ जाती है तो जीवन में संगीत आ जाता है। शरीर मन और चेतना में जब एक लयबद्धता आ जाती है तुम्हारे जीवन में संगीत आ जाता है। तुम्हारे और दूसरे के बीच, तुम्हारे और प्रकृति के बीच जब लयबद्धता आ जाती है तो जीवन में संगीत उपस्थित हो जाता है। उसे मौन में ही सुना जाता है, वो मौन का संगीत। ये प्रश्न मैं आज इसीलिए सब ले रहा था क्योंकि सारी प्रयोगात्मक बातें हैं, उन पर प्रयोग करें, कोशिश करें। अपने भीतर चलने वाले कंटिन्यूअस इनर डायलॉग के प्रति जागें। तुम्हारे भीतर जो लगातार आंतरिक संवाद चल रहा है, लगातार जो तुम अपने भीतर बोले चले जा रहे हो, उसके प्रति जागें, और उसके प्रति जागने से ही मौन घटने लगेगा। संभव हो उसे लिख डालें, कभी बैठो और तुम्हारे भीतर जो कुछ चल रहा है उसे लिख डालो, उससे सहयोग मिलेगा। धीरे धीरे जब तुम्हारे आंतरिक आकाश के बादल झटेंगे तो पीछे का जो शून्य आकाश है वो प्रकट होगा, वही तुम्हारी मौन अवस्था है, और उसी से सारे चमत्कार, सारी स्थितियां और सारे रहस्य तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर। आज के लिए इतनी ही।